बजट में खास क्या है? खास रोजगार के लिए अनेक योजनाएं हैं, स्किलिंग के लिए योजनाएं हैं, मध्यवर्गियों की सशक्तिकरण हो, विशेष करके उनकी जिंदगी में और सहूलियत आए, उसके लिए अनेक योजनाएं हैं। और देश की, कोई भी देश की अर्थनीति की मजबूत स्तंभ उस देश की एमएसएमई होता है। इस बजट में ये चारों सेक्टर के लिए, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास, ये चार फोकस एरिया है। इस बजट में पहली बार 11.11 लाख करोड़ रुपया की कैपिटल स्पेंडिंग हुई है। इस बजट में रोजगार, शिक्षा, स्किलिंग के लिए 1,48,000 करोड़ रुपया की वित्तीय प्रबंधन किया गया है। इस बजट में अनेक दिनों से जो हम लोग पूर्व भारत से आते हैं, उन लोगों की एक अपेक्षा रहती है, हमारी मेहनत से देश की अर्थनीति चलती है, कब हमारे गांव में देश की अन्य हिस्साओं की, अन्य इलाका की तुलना में हमारे भी विकास होगा। इस बार पूर्वोदय की कल्पना को बजट में स्थान देके माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आश्वासन था, जो दायित्व था पूर्वी भारत के प्रति, उन्होंने पिछले 10 साल से अनेकों कदम उठाए हैं, लेकिन इस बार बजट में पूर्वोदय एक कल्पना देके उसको एक मजबूत कदम उसके ओर बढ़ाया गया है। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, ये सब इलाका में ढांचागत स्पेंडिंग बढ़े, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इसके ऊपर जोर दिया गया है। इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना को महत्व दिया गया है। मुद्रा लोन में जो सेकेंड लेवल है उस पे जोर दिया गया, उसमें देश की अर्थनीति ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट की तरफ, नीचे अर्थनीति के जो एकदम नीचे पायदाने पे जो स्टेक होल्डर है वो भी उसके लाभार्थी हो पाएगा, उसको और मजबूती से आगे जा पाएगा। अनेक टैक्स की सहूलियत दी गई है। ये सारे को मैं तुलना करूं, इस बजट देश में नया रोजगार सृजन करेगा। नेक्स्ट जनरेशन स्किलिंग, अपस्किलिंग, रिस्किलिंग की कल्पना इस बजट में की गई है। 1,000 ITI को देश की इंडस्ट्री के साथ मिलकर 21st सेंचुरी रिक्वायरमेंट के लेवल पे उसको तैयार किया जाएगा। एजुकेशन लोन, स्किल लोन, अनेक युवा हितैषी कार्यक्रम इस बजट में लाया गया है। लेकिन ये पक्ष का कहना है कि ये जो बजट है ये बिहार आंध्रा सेंट्रिक बजट है और नंबर दो की सरकार बचाने वाला बजट है। ये बजट देश की मध्यवर्गियों के लिए है। ये बजट देश की, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ बिहार और आंध्र में बनने वाला है? देश के सभी राज्यों में बनने वाला है। मुद्रा लोन के लाभार्थी क्या चंद राज्यों में होंगे या देश भर में होंगे? स्वनिधि देश के गरीब स्ट्रीट हॉकर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है, क्या सिर्फ कुछ राज्यों में रहेगा या पूरा देश में रहेगा? विपक्ष एक नकारात्मक मानसिकता से गुजर रहा है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरी बार फेल हुई है, इसकी हताशा उनको सब चीज में दिखता है। इस बजट को मैं स्वागत करता हूँ। इंटर्नशिप की एक नई योजना आई है, उसमें 1 करोड़ युवाओं को उसका लाभ मिलेगा, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये उसका जो मैनिफेस्टो था उसकी, उसको कॉपी किया है। चिदम्बरम जी ने इस पर ट्वीट भी किया है। देखिए, फाइनल किया तो हमने ना, लोगों ने आपको तो मौका नहीं दिया। आप कई सारा, आपने पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ियों तक आपने कई बात को कहते रहे। आपको लोगों ने पिछले, मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस पार्टी तीसरी बार फेल हुई है, इसलिए तो नाम अभी कटा लेना चाहिए। चिदम्बरम साहब नाम कटा के और कहीं स्कूल में दाखिला करनी चाहिए। लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है, हम लोगों के लिए काम किए हैं। 10 साल में पहली बार फ्लड को भी एड्रेस किया गया है। बिहार के फ्लड से बहुत परेशानी लोगों को होती थी और इस सरकार ने 11,500 करोड़ रूपए देने का ऐलान किया है। मैंने वही कहा ना कि देश में पूर्वी भारत को महत्व मिला है, पूर्वी भारत की मेहनत का श्लोक देश की अर्थनीति में गति लाते हैं। उनके मन में रहता था कि हमारी इलाका कब पश्चिम जैसे, दक्षिण जैसे, उत्तर जैसे विकसित होगा। इस बार बजट की जो आउटलाइन है, जो एक टेम्पलेट बनाई गई है पूर्वोदय, और इस विषय को मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, उस पहला मीटिंग का मैं साक्षी हूँ। उड़ीसा की एक जनसभा में 2015 में माननीय प्रधानमंत्री पूर्वोदय के बारे में पारादीप रिफाइनरी को लोकार्पित करते हुए कहा था, वो उसमें निरंतर कहे, पूर्वोत्तर भारत के बारे में कहे,
पूर्वोदय के बारे में कहें, और सारे सिर्फ बिहार में फ्लड कंट्रोल की बात नहीं कही, उन्होंने आसाम को भी कही। ये सारे लंबे समय की मांग होती थी उस इलाके की, भारत सरकार ने इस बार उसको प्राथमिकता दी। आखिरी सवाल सर आपके राज्य का है, बीजेडी ने बायकॉट।